Now we will try to find the square root of a number by prime factorization method by following some steps. Where n is also a natural number, then m is a square number. The perfect squares are the squares of the whole numbers. Square of a negative number is a positive number. Square root is an inverse operation of squaring. Repeated subtraction method. 2 5 is 10 or 2 8 is 16 or 2 8 is 16. 2 say 2 2 is 4 or 2 9 is 18, 2 4 is 8. Find the largest square number less than or equal to the first group. That is 40. Since 36 is less than 40. तो 3 से 2 से ये जाएगा नहीं क्योंकि सेकंड पार्ट है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर व्हाई व्हिच 6912 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर. तो आप इसको कर लेंगे 18 5 जा 90 और इनमें जोड़ा किसका नहीं बना है देखना. एक जोड़ा इसका बना हुआ है और जोड़ा किस किस का नहीं बना है तो 10 का. तो हम 10 तो अभी 3 से नहीं जाएगा और ये 2 से भी नहीं जाएगा तो 5. हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ और एक्सरसाइज हम 3.3 स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर थ्री का इंट्रोडक्शन और कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.2 कराई है. तो स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 3.3 देखने से पहले एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें ताकि आपको इस एक्सरसाइज को समझने में आसानी हो. तो स्टूडेंट्स कुछ बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि मैम ये आपने चैनल क्यों बनाया, आपका तो ऑफलाइन कोचिंग है. लेकिन मैं उन बच्चों को बताना चाहती हूँ कि मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि मैं इस शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं. क्योंकि हम ऑफलाइन कोचिंग में 50 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 100 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन बहुत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं एक साथ. तो स्टूडेंट्स मेरा उद्देश्य यह है कि मैं शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं. तो इस उद्देश्य में आप लोग मेरी सहायता कर सकते हैं. अब बच्चे पूछते हैं कि मैम कैसे, तो ये सहायता आप मेरी सहायता आप इस प्रकार कर सकते हैं कि आपके घर में सभी के घरों में फोन है और सभी फेसबुक चलाते हैं, सभी व्हाट्सएप चलाते हैं और सभी इंस्टाग्राम चलाते हैं. तो आप इस चैनल को इन तीनों और भी जो आप प्लेटफॉर्म चलाते हैं, मुझे तो इतना पता भी नहीं है कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, तो आप इस चैनल को व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करें और अपने दोस्तों को इसे स्पेशली बोलें कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारे जो पहुंच है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. तो हम देरी न करते हुए अपने एक्सरसाइज 3.3 पर चलते हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हमें किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है. तो हमारा हम देखेंगे कैसे निकालेंगे. जैसे कि हमारा फर्स्ट है 900, तो 900 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप सभी जानते हैं या नहीं. तो कैसे करेंगे बताइए. अच्छा ठीक है, इसके पीछे क्या है हमारा, इवन टू जीरोस है. मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो आपने इंट्रोडक्शन देखा है. अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो आप क्वेश्चन को डिजिट को देखते ही बता देंगे कि ये प्राइम हमारा स्क्वायर रूट है या नहीं है. ठीक है, तो हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं. 2 से 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 0. इसी प्रकार 2 से 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10. तब देखना है 3 से 2 से तो ये जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर आ गया है हमारा पीछे. तो 3 से 3 7 जा 21 बचा 1 और 3 5 जा 15. 3 से 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15. इसी प्रकार 5 से 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5. तो इसका स्क्वायर रूट का मतलब होता है हमारे जोड़े बनने चाहिए इसमें. तो एलसीएम इसका क्या है हमारा 90 के, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे 900 के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5
और मल्टीप्लाई 5। अब देखना कितने हमें 2-2 के जोड़े बनाने हैं इसमें, ये याद रखना है। स्क्वायर रूट में अगर स्क्वायर क्यूब रूट आए, सॉरी क्यूब रूट आए, तो उसमें हम 3 के जोड़े बनाते हैं, और स्क्वायर रूट में हम 2 के जोड़े बनाते हैं। तो एक ये जोड़ा, एक ये और एक ये, जहां हमारे जोड़ा बनते हैं तो उसमें से हम डिजिट क्या लेते हैं, 1 ही डिजिट लेते हैं। तो इसमें से हमारा क्या आ जाएगा, 2, एक 2 यहां से 3 और यहां से 5। तो देखना है कितने का होता है, 5 3 15 15 2 30। तो ये हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, 30 का। 900 किसका होता है, 30 का स्क्वायर रूट होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा, इसी प्रकार हमारा सेकंड है, सेकंड है हमारा 676। तो 2 से निकालेंगे, इसे 2 से करेंगे क्योंकि हमारा इवन नंबर है पीछे। तो 2 3 6 और 2 3 6 2 8 16। 2 से 2 1 2 बचा 1, 13 हो गया 13। 2 6 12 और बचा 1, 2 9 18। तो क्या है हमारा, तो इसे अब हम किससे कर सकते हैं, 13 से, 13 1 13 और 13 3 39 और 13 1 13। तो इसका क्या आएगा हमारा, 6 7 6 का क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 13 × 13। तो क्या आएगा हमारा, एक जोड़ा यहाँ 13 का और एक जोड़ा 2 का, तो 2 × 13। तो ये किसका होता है, 13 2 26। तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 26 का। इस प्रकार हम इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन को यहां तक समझने में, नहीं तो हम नेक्स्ट चले। इसी प्रकार हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, 1225। इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, इसको 2 से करेंगे पहले। टू सिक्स जो 12, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि क्या आ रहा है हमारा, ऑड नंबर आ रहा है, तो इसीलिए 2 से नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं, तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो हम किससे करेंगे, 5 से। तो 5 2 जो 10 बचे 2, 5 4 जो 20 और 5 5 जो 25। और ये 5 से 5 4 जो 20 और 5 9 जो 45। अब इसे 7 से 7 7 जो 49 और 7 1 जो 7। तो किस किस के बने हमारे, 2 2 5 = 5 × 5 × 7 × 7। तो दो जोड़ा किस किस के बने हमारे, 5 और 7 का। तो हमारा किसका होता है, 35 का स्क्वायर होता है ये हमारा, समझ आया। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, तो इसके पीछे हमारा क्या नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो हम इसे कैसे करेंगे, 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4। इसी प्रकार 2 1 जो 2, 2 1 जो 2 और 2 5 जो 10 और 2 6 जो 12। इसी प्रकार 2 5 जो 10 और 2 7 जो 14 और 2 8 जो 16। 2 से 2 2 जो 4 और यहाँ कितना हो गया, 17। तो 2 8 जो 16 और 2 9 जो 18। तो ये अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से, ये 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से नहीं, 7 से जाएगा, 9 से नहीं, 9 से, तो ये कितना, 17 से जाएगा। तो 17 1 जो 17 और 17 7 जो 19 119 और 17 1 जो 17। तो इसके क्या हुए हमारे फैक्टर, 2 × 2 × 2 × 2 × 17। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसका था ये, 4 6 2 4 के। तो इसे क्या लिख देंगे, 2 2 और 17। तो 2 × 2 × 17, तो क्या आ जाएगा इसका, 2 2 जो 4
और 4 17 4 जो 68। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन यहां तक समझ आए, कोई प्रॉब्लम है यहां तक क्वेश्चन समझने में? अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो आप डिमोटिवेट ना हो, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमें कमेंट करें। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आप अच्छा करते जाएं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। जब हमारी स्टूडेंट लाइफ होती है तो हमें बहुत सारी टेंशनबाजी होती है, पढ़ाई को लेकर, और कुछ दबाव भी रहता है फैमिली का भी कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए, और कुछ बच्चों का मैथ कमजोर होता है तो वो मैथ में कम नंबर लेकर आते हैं। तो आप स्टूडेंट्स मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके नंबर कम नहीं आएंगे, लेकिन आपको मेरी तरीके से चलना पड़ेगा। जितना मैं करा रही हूँ आप इतना ही करते हुए चलें। अगर इसी प्रकार हमारा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है क्या है 1936। टू से करेंगे क्योंकि इवन नंबर आ रहा है हमारे पीछे, तो टू से करेंगे। टू नाइन जा 18, बचा 1, 13 हो गए, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, सेम 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो ये किससे जाएगा 11 से, 11 बन जाए 11 और 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11। तो हमारा इसका क्या आया 1936 इसकल टू क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और 11 11। तो इसका हम क्या लिख देंगे, एक और टू का है और एक 11 का, तो 2 × 2 और × 11, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 2 जो 4 और 11 4 जा कितना होता है हमारा 44। तो ये हमारा किसका है 44 का है। इसी प्रकार इसका हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ पॉइंट है हमारा 5184। तो हमारा क्या है इवन नंबर है पीछे, तो हम टू सेट करेंगे। सबसे पहले छोटी से छोटी डिजिट से हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे हम एलसीएम लेते हैं इसी प्रकार हम इनको फैक्टर करेंगे। छोटे सबसे पहले हम छोटी डिजिट से फैक्टर करेंगे, तो 2 से 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, सेम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, सेम 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 से 2 3 जा 6, 2 4 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 से 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 3 से 3 2 जा 6 और 2 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसके कितने फैक्टर, 1 2 3 4 और 5, इसको हम क्या लिखेंगे 5184 इज इक्वल टू के क्या फैक्टर आए हमारे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3 × 3, तो 1 2 3 4 और 5, तो क्या लिखेंगे हम 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा कितना हो जाएगा 72। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 72, किसका होता है 72 का स्क्वायर होता है, किसका 72 का। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसे आप कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेम ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको ये 6 पॉइंट कराए हैं, इसी प्रकार इसमें 6 पॉइंट दिए हुए। इसी प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और आप
इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क में करना है और आप इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और जो बच्चा इन क्वेश्चंस के जवाब सही देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड स्किप करते हुए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलती हूँ, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस को भी कराऊंगी तो फिर इन्हीं क्वेश्चंस में टाइम चला जाएगा, और जबकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको अभी कराए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को छोड़ रही हूँ, क्वेश्चन नंबर मैं फोर्थ पर चल रही हूँ। अगर इसमें से तब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सके। तो स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 512 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें दिया हुआ है एक नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है कि कौन सा हो सकता है कि जो 512 शुड बी मल्टीप्लाई, अगर हम 512 में को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाए, हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें प्राप्त हो। जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दिख रहा है आपको, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 512 शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें ऐसा ऐसा कोई नंबर निकालना है कि जिससे कि अगर हम मल्टीप्लाई करें 512 में तो वो हमारा क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फोर्थ है, तो 512 है, क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है, जैसे कि टू से करेंगे क्योंकि हमारा क्या है इवन नंबर है पीछे, तो टू टू जा फोर और कितना बचा वन, टू फाइव जा टेन और टू सिक्स जा ट्वेल्व, इसी प्रकार टू वन जा टू, टू टू जा फोर और टू एट जा सिक्सटीन, टू से टू सिक्स जा ट्वेल्व और टू फोर जा एट, सेम टू से टू टू जा टू थ्री जा सिक्स और टू टू जा फोर, टू से टू वन जा टू, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू एट जा सिक्सटीन, टू 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 जा फोर, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, तो हमारा ये आ गया। तो देखने तो चार तुम्हारा क्या बच गया, टू बच गया एक, तो अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि जिसका हमारा क्या है 512 के क्या फैक्टर आए हमारे, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू टू मल्टीप्लाई टू और मल्टीप्लाई टू, तो देखना एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बन गया यहां तक ये है और एक जोड़ा ये, तो इसके बिना जोड़ा के कौन बच गया, टू बच गया, एक टू बच गया है हमारा। तो अगर हम इसी टू से क्या करेंगे, जो हमारा जोड़े में नहीं है उसी नंबर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कहीं नंबर कहीं हमसे बोले कि डिविजिबल, तो डिविजिबल भी वही नंबर होगा जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारा जोड़ा किसका नहीं बन रहा है, टू का नहीं बन रहा है। अगर हम 512 में टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टू टू जा फोर और टू वन जा टू और टू फाइव जा टेन, तो एक इसका ये क्या है हमारा 1024, तो ये हमारा किसका होता है, ये हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वाई विच 363 शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बोल रहा है कि हम इससे कौन से नंबर से डिवाइड करें तो ये हमारा क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हमारा क्या नंबर दिया हुआ है 363, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 3 से 2 से ये जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 6 है, ठीक है। तो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 बन जा 3 और 11 बन जा 11 11 11 बन जा 11 11 बन जा 11 और 11 बन जा 11। तो इसमें हम किस नंबर से डिवाइड कर दें, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आया इतना क्वेश्चन समझ, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अगर क्वेश्चंस को समझेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ आएगा। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर सॉरी ये क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है,
इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, तो आंसर उसमें क्या आया हमारा, 3 आया, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 121 बनेगा, और 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इफ नॉट, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, इफ नॉट, अगर नहीं है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 2352 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट टू प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ न्यू नंबर। तो हमें जो नया नंबर आएगा उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है न्यू नंबर का। तो हमें डिजिट क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप खुद देख लेना कॉपी बुक में। ठीक है, इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिए हैं क्वेश्चन, और आप अपनी बुक से क्वेश्चन देख लेना, और मैं आपको क्वेश्चन मैं पढ़ती हुई चल रही हूँ, लिख नहीं सकती क्योंकि मैं लिखूंगी तो ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक से चेक कर सकते हैं। तो हमारी डिजिट दी हुई है 2352। तो इसके सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से 2 बन जाए 2, और 2 बन जाए 2, 2 4 जाए 2, 7 जाए 14, 2 7 जाए 14 और 2 6 जाए 12, सेम 2 5 जाए 10 और बचा 1, 2 8 जाए 16 और 2 8 जाए 16, 2 से 2 2 जाए 4 और 2 8 2 9 जाए 18 और 2 4 जाए 8, 2 से 2 बन जाए 2, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, तो ये 3 से 3 4 जा 12 और 3 9 जा 49, 7 7 जा और 7 1 जा 7। तो देखना हमारा कौन से का जोड़ा नहीं बना है, तो 3 का जोड़ा नहीं बना है, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे में क्या बोला है कि विच मस्ट बी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, जो हमें नंबर दिया हुआ है मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा इसका, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इस नंबर को 3 से डिवाइड, तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा 3 का ही क्या नहीं बना है, जोड़ा नहीं बना है। तो हमारी डिजिट क्या दी हुई है, 352, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 और 0 और 3 2 जा 6 और 1 7, तो क्या आया न्यू नंबर हमारा, क्या आया है 7056। तो इस नंबर का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो इस नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, न्यू नंबर यहां लिख देंगे, न्यू नंबर क्या आया है हमारा, ये न्यू नंबर ही है, सेवन फाइव सिक्स, 7056। तो 2 से 2 3 जो 6 और 2 5 जो 10, 2 2 जो 4 और 2 8 जो 16, 2 से 2 1 जो 2, 2 7 जो 14, बचा कितना 1, 2 6 जो 12 और 2 4 जो 8, 2 8 जो 16 और 2 8 जो 16 और 2 4 जो 2 2 जो 4, 2 से 2 4 जो 8, 2 4 जो 8, 2 1 जो 2। तो देखना ये हमारा किससे जाएगा, 3 से, तो 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12 और बचा कितना 3 7 जा, इसी प्रकार 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 बन जा 7 7 जा और 7 बन जा, तो क्या है 2 2 और 3 और 3, तो हम इसे सेम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 1 2 यहां से 1 2 यहां से 1 3 और 1 7, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 87, तो न्यू नंबर का स्क्वायर रूट क्या है 87, तो 87 का स्क्वायर होता है हमारा 7056। तो स्टूडेंट्स यहां तक क्वेश्चन समझ आया आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक से क्वेश्चन समझा रही हूँ। स्टूडेंट्स कभी कभी आपको नहीं लगता कि हमें मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई में, करनी चाहिए ना, तो मेहनत करने के लिए आप, तो मेहनत करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाई करते हैं या नहीं करते, नहीं करते, छुट्टियां पड़ रही हैं, तो बेटा छुट्टियां पड़ रही हैं तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे क्या। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं मेरे पास कि छुट्टियां लेके ये बोलते हैं कि हम तो कूलर और एसी में आराम से सोएंगे, तो ये बेटा एक महीना सो लोगे लेकिन फिर भी तो पढ़ना है ना, तो पढ़ाई में कभी भी छुट्टी नहीं करनी है, ठीक है।
क्या नहीं करनी है आपको, पढ़ाई में कभी भी छुट्टी नहीं करनी, पढ़ाई लगातार रखना है। जैसे आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो आप छुट्टियों में 2 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ाई जरूर करें, ठीक है। पढ़ाई से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, पढ़ाई ही एक हमारे पास ऐसा अस्त्र है जिससे हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो इसीलिए पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं करनी है, पढ़ाई हमें रेगुलर करनी है, ठीक है। ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशेंट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो ये बोल रहा है कि हम क्या किस नंबर से इसमें डिवाइड करें कि हमारा क्वोशेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ क्वोशेंट, तो हमें फिर जो हमारा क्वोशेंट आता है उसको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमारा नंबर क्या है, 9408। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 7408। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 2 4 जा 8 और 2 7 जा 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, 2 3 से 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, तो 7 से 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो देखना हमारा पर वो जोड़ा किसका नहीं बन रहा है, तो 3 का हमारा क्या नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम 3 से करेंगे इसमें डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे मैं इसमें डायरेक्ट कर देती हूँ, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 बचा 1, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तुम्हारा आंसर क्या आया, 3136। तो हमारा क्या नंबर आया है, अब इसका हम क्या निकालेंगे, ये हमारा क्वोशेंट आ गया और इससे हम क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका इसके भी प्राइम फैक्टर करके, तो इसका हम देखेंगे कि हमारा किस क्या किस नंबर का क्या आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। तो इसे लिखेंगे 3136। इसके भी सेम करेंगे, 2 से 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 बचा 1, 2 6 जा 12 और बचा 1 तो 2 8 जा 16, 2 से 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 सेम, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, 2 से 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो देखना 2 2 और 7, तो हम क्या लिख देंगे, 3136 इज इक्वल टू क्या है, 2 into 2 into 2, तीन बार 2 है क्योंकि तीन जोड़ा बन रहे हैं 2 2 के, और 7 मल्टीप्लाई 7, तो क्या हो गया, 2 2 जा 4 4 3 सॉरी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56। तो इस क्वोशेंट का स्क्वायर क्या है, क्वोशेंट जो नंबर आया है हमारा क्वोशेंट क्या है, 3136, और इस ये किसका स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर 556 का, किसका होता है, 56 का होता है। इस प्रकार हम क्वेश्चंस को समझेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, व्हाई व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड 10584 वी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें निकालना है कि हम किस नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई करें जो हमारा क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। सिर्फ इसे हमें क्या नंबर बताना है, क्वेश्चन नंबर 8, तो डिजिट क्या दी हुई है हमें, 10584 10584। तो करेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 से
टू फोर जा टू टू जा फोर और टू सिक्स जा ट्वेल्व और टू फोर जा एट और टू सिक्स जा ट्वेल्व टू से टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स. कोई भी बच्चा ऐसा है कि जिसको ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आते हो? फैक्टर तो सभी को आते होंगे, आते हैं ना सभी को? ठीक है, तो आगे बढ़े हम. तो देखना अब ये टू से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा अब ये? हम इसे थ्री से करके देखेंगे. थ्री से थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फोर जा ट्वेल्व और थ्री वन जा थ्री, तो थ्री से थ्री वन जा थ्री, थ्री फोर जा ट्वेल्व और थ्री सेवन जा ट्वेंटी सेवन, तो थ्री से थ्री, थ्री फोर जा ट्वेल्व और थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, सेवन से सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन और सेवन वन जा सेवन. तो देखना किस किस के स्क्वायर इसमें जोड़ा नहीं बने हैं. तो हमारे जोड़ा किसके नहीं बने? एक तो क्या है, टू और थ्री, तो डिजिट क्या आ जाएगी हमारी? सिक्स. जिसके हमारे जोड़ा नहीं बने हैं वही हमारी डिजिट क्या होगी? किसका नहीं बना? एक तो टू का नहीं बना है और एक थ्री का नहीं बना है, तो थ्री टू जा क्या होता है? सिक्स. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सिक्स आ जाएगा. अगर हम सिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन है, व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर वाई बिच व्हेन 23,808 बी डिवाइडेड द क्वोशेंट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इसमें बताएं कि हमें बताना है सिर्फ कि क्वोशेंट जो आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा या नहीं होगा, ये हमें बताना है. तो हम देखेंगे क्वेश्चन डिजिट क्या दी हुई है हमें, 23,000 क्वेश्चन नंबर 9 है, 23,808. तो टू से करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा बाद में क्या रहा है? इवन नंबर आ रहा है. तो टू से टू वन जा टू, टू वन जा टू और क्या बचा हमारा? वन बचा, टू नाइन जा एट्टीन जीरो फोर. टू से टू फाइव जा टेन और टू नाइन जा एट्टीन, टू फाइव जा टेन और टू टू जा फोर. टू से टू टू जा फोर और टू नाइन जा एट्टीन, टू सेवन जा फोर्टीन और टू सिक्स जा ट्वेल्व. टू से टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू फोर जा एट और टू एट जा सिक्सटीन, टू एट जा सिक्सटीन. टू से टू सेवन जा फोर्टीन, टू फोर जा एट, टू फोर जा एट. टू से टू थ्री जा सिक्स और टू सेवन जा फोर्टीन, टू टू जा फोर. टू से टू वन जा टू और बचा वन, टू एट जा सिक्सटीन, टू सिक्स जा ट्वेल्व. टू से टू नाइन जा एट्टीन और टू थ्री जा सिक्स, तो किससे जाएगा? थ्री वन जा थ्री, सॉरी थ्री थ्री जा नहीं, थ्री वन जा थ्री, तो थर्टी वन वन जा. तो किसके जोड़ा नहीं बना इसमें? थ्री और थर्टी वन का. तो क्या आ जाएगा? थ्री मल्टीप्लाई थर्टी वन, तो क्या आ जाएगा आंसर? नाइन्टी थ्री. तो कौन सा नंबर ऐसा है, क्या है? नाइन्टी थ्री बचा है ऐसा जो इसको क्या नहीं होने दे रहा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने दे रहा है. तो क्या आ जाएगा इसमें आंसर? 93. जिस भी नंबर के हमारे क्या नहीं बनेंगे? पेयर नहीं बनेगा, वही नंबर या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा. जो भी क्वेश्चन में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, दो पार्ट दिए हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11025 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप ही को क्वेश्चन नंबर 10 आप ही को करना है. इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर वाई विच 6912 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर. तो आप इसको कर लेंगे, इजी है क्वेश्चन बहुत ज्यादा. तो सेम ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड करते आ रहे हैं, सेम ही क्वेश्चन है. आप इसको करिए. अगर आप इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका जो नाम है, तो मैं आपका नाम रिवील करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो अगर आप क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं. तो सेकंड पॉइंट मैं आपको करा देती हूँ, वैसे कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सेम ही तरीके से क्वेश्चन करने हैं जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझाए हैं. तो फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट बता देती हूँ क्या करना है. क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर वाई बिच 6912 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर. तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 6912, तो टू से टू थ्री जा सिक्स और टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, टू सिक्स जा
12, 2 से 2 बन जा 2 और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, 2 से 2 बन जा 2, 0 2 8 जा 16, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो 2 से 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो 3 से 3 9 जा और 3 3 जा 3 1 जा 3, तो देखना ये हमारे हैं और एक जोड़ा ये भी है, तो किसका जोड़ा बच गया है, सिर्फ 3 का जोड़ा बच गया है हमारा, तो इसी से क्या कर दे हम, मल्टीप्लाई कर दे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या नंबर आ रहा है हमारा 3, तो आंसर क्या आएगा इसमें 3। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इज 19 अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें बताना है कि 19 क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, देखते ही पता चल रहा होगा, मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में समझाया, अगर किसी नंबर जैसे ये 90 है, ठीक है, तो 900 होता तो ये क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर के पीछे क्या है इवन जीरोज हैं, अगर इसके पास 3 जीरो हो जाएंगे तो ये क्या नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान रखना है, अगर इसमें मैं एक और जीरो लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन हमारा इसमें क्या है कितनी नंबर ऑफ जीरोज क्या है इवन नंबर है, 4 जीरोज हैं तो क्या हो गई इवन है, 4 जीरो कितनी है इवन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर, और ये क्या है जीरो 1 है तो 1 क्या होता है ऑड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, जैसे कि 90 का हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 3 जा 9 0, 3 1 जा 3 0, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो देखना एक पेयर के अलावा क्या बन रहा है इसका, नहीं बन रहा, तो इसीलिए क्या नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी प्रकार इसमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 997344 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेम ही है, आपको इन क्वेश्चंस के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसका थर्ड पॉइंट है, सेम ही है ये भी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2,65,07,025 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये भी हमें किससे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो आपको इन क्वेश्चंस के क्या मुझे, तो आपको इन क्वेश्चंस के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस के जवाब आप सही देते हैं तो मैं आपका नाम अगले वीडियो में रिवील करूंगी, सब बच्चों को बताऊंगी कि इन बच्चों ने इन क्वेश्चंस को करा है और इनके आंसर्स इन्होंने कमेंट बॉक्स में दिए हैं, तो स्टूडेंट्स तैयार हो, आपका नाम भी अगली वीडियो में आए, तैयार हो आप, ठीक है, तो आप देंगे क्वेश्चंस के जवाब, ओके। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9 और 15, हमें दिया हुआ है 6 और 9 और 15, हमें तीन नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये हमें बताना है कि ईच नंबर ऑफ द डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स, तो क्वेश्चन नंबर हम 12 करते हैं, डिजिट क्या दी हुई है हमें, डिजिट दी हुई है 6, 9 और 15, 6, 9 और 15, तो हम इसे इसका सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2 से 2 3 जा 6 9 और 15, तो 3 से 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो 3 से 1 1 और 5 और ये 5 से 1 1 1 सारे हो गए 1, तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो एलसीएम क्या आएगा इसका 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 5 जा 90 18 5 जा 90, और इनमें जोड़ा किसका नहीं बना है देखना, एक जोड़ा इसका बना हुआ है और जोड़ा किस किसका नहीं बना है, तो 10 का, तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 10, क्या नहीं है हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो हमारा जिनके जोड़ा नहीं है तो उन्हीं से तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिनके जोड़ा नहीं है 5 2 जा 10, तो 19 में 19 मल्टीप्लाई 10, तो क्या आ जाएगा हमारा 900, और 900 हमारा क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका 30 का। इसी प्रकार हमारा 13 क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर
why which 180 must be multiplied so that it become a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. ठीक है, तो हमें बताना है कि 180 में हम ऐसी किस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें कि ये हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक परफेक्ट वो निकालेंगे 180 का. 2 9 जा 80 0 2 से 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 3 से 3 बन जा 3 3 5 जा 15 3 3 जा 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5. तो हमारे स्क्वायर जोड़ा किसका नहीं बन रहा है, 5 का. तो हम 180 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से. तो क्या हो जाएगा हमारा, 500 5 8 जा 40 और 5 बन जा 5 और 4 9. तो क्या हो जाएगा 900. तो 900 हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर. तो यही हमें इसमें निकालना है. इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द नंबर 1100 मस्ट बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड. ठीक है, सो दैट वी प्रोडक्ट और कोशेंट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेंड. हमें निकालना है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर से हुआ, कितने 1100 हमें नंबर दिया हुआ है. तो 1100 का पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 0. 2 से 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14. 2 2 जा 4 बचा 1, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10. तो अभी 3 से नहीं जाएगा और ये 2 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से करेंगे. तो 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25. तो 5 बन जा 5 5 बन जा 5 11 बन जा 11. तो हमारा क्या बचेगा, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है हमारा, सिर्फ 11 का. अगर हम इसे 11 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. तो एक नंबर क्या है, हम इसे 11 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. इससे 11 से अब देखना क्या है इसका, 1100 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे, 2 × 5 × 11, क्योंकि एक एक लेंगे जोड़ा में से. तो ये क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 11 10 जा 110. तो ये हमारे दो आंसर आएंगे, एक तो 11 और एक 110. तो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारी यह, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार हमारी एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पर समाप्त होती है. अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. और स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला है कि आपको मन लगा के मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि हमें कुछ करना है. इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक ही अस्त्र है हमारे पास जिससे हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, पूरी दुनिया में घूम सकते हैं. पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है कि हम पढ़ाई के बलबूते पे कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं और अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. धन्यवाद, नमस्कार.